जो पूरी तरह निष्क्रिय था, वो अराजकता का शिकार था, उसको पटरी पर लाकर के उसको सरपट दौड़ाने की दिशा में तेजस्वी यादव जी ने बहुत गंभीर प्रयास शुरू किया। जो पढ़ा लिखा स्टेट है, जो कॉन्शियस स्टेट है, उस स्टेट में कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चाहे तमिलनाडु को देखिए, केरल को देखिए, आंध्र को देखिए, उत्तर भारत का इलाका है जिसे कॉ बेल्ट कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है। ये क्यों है भारतीय जनता पार्टी? एक एक करके नरेंद्र मोदी की सरकार जब गैर भाजपा शासित राज्यों को धन के बल पर खरीद करके उसकी सरकार को गिराने का काम गठबंधन बनाया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी आज बैकफुट पर है। पूरे देश के लोग आशा भरी नजरों से बिहार की ओर देख रहा है। आपका समय 12 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की महान जनता का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। और साथ ही जो हमारी पार्टी के यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं और जो शाहीन साहब सचेतक हैं, उन्हें भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय सदस्य भारत मंडल जी, जी खूब इत्मीनान से जी मैं खूब आप बात को रखें। जी जी, तो हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने जो 2023-24 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है वो कई अर्थों में ऐतिहासिक है। इस तरह का बजट जो मूलतया शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस्ड है, जो बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है, इसीलिए मैं ये समझता हूं कि यह सरकार राज्य के तरक्की और विकास के लिए बेहद संवेदनशील है। बिहार ऐतिहासिक रूप से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है, इनके हक बिहार को उसके हक और अधिकार से अनवरत वंचित किया जा रहा है। यही वजह है कि बिहार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यह केंद्र की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी अत्यधिक सराहना करता हूं। वह इसीलिए भी कि हेल्थ फॉर ऑल के भाव से यह बजट संचालित है। जो आपने देखा, कई वक्ताओं ने अपनी बात रखा है, मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले बजट के मुकाबले इस बार 800 करोड़ रुपए अधिक इस बजट पर खर्चा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में जो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन स्तर है, जहां राष्ट्रीय औसत एक व्यक्ति के जीवन का 70 वर्ष है, वहीं बिहार में भी 69 point something है, जो ये दर्शाता है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के मद में बहुत बेहतर काम कर रहा है। चाहे मातृ शिशु दर हो, चाहे बाल मृत्यु दर हो, चाहे अन्य मृत्यु दर हो, और चाहे अन्य दूसरे मामले में हो, उसमें राष्ट्रीय औसत से भी बिहार बेहतर काम कर रहा है। जो आने वाला समय है, आप सभी को मालूम है, में बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास बिहार की सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग 3 श्रेणी में विभक्त है। प्राथमिक स्तर पर जो PHC है, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसका जाल बिहार में बिछाया जा रहा है। और अभी आपने कुछ माननीय सदस्यों से सुना कि जो 243 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 1,754 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकेंडरी स्तर पर जो जिला के अस्पताल है, जो अनुमंडल का अस्पताल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके बेहतरी के लिए भी बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है। 21 जिला अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 580 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बंदोबस्त किया गया है, ताकि वो अस्पताल बहुत बेहतर ढंग से मरीजों की सेवा कर सके, स्वास्थ्य का प्रबंध कर सके। और जो तीसरी बातें मुझको कहनी है कि जो टर्सरी स्तर है, जो राज्य के स्तर पर है, वहां कई सदस्यों ने बताया कि 13 नए मेडिकल कॉलेज
निर्माणाधीन है, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बहुत बेहतरीन कदम है। दूसरा जो कदम है जो पटना पीएमसीएच के बारे में जो साथियों ने बताया कि 5,554 करोड़ की लागत से वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज को रूपांतरित करने के लिए दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि निरंतर बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही गंभीर है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि यह विभाग जो एनडीए के शासनकाल में या मंगल पांडे जी के शासनकाल में जो पूरी तरह निष्क्रिय था, वो अराजकता का शिकार था, उसको पटरी पर ला करके उसको सरपट दौड़ाने की दिशा में तेजस्वी यादव जी ने बहुत गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। 5-5 अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा देकर को उनका उन्नयन किया जा रहा है। मानसिक आरोग्यशाला जो कोइलवर में बन रहा है, चाहे प्रभा हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का मसला हो, चाहे इंदिरा गांधी हार्ट हॉस्पिटल का मसला हो, सभी दिशाओं में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करके बिहार के जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन पहल बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो अन्य बातें मुझको बतानी है अध्यक्ष महोदय, वो ये है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में एक जो संख्या बल होना चाहिए, जो मानव बल है जिसको मानव संसाधन कहते हैं, कि जो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया उसमें यह बताया गया है कि 12,000 जो सृजित पद हैं उसके अगेंस्ट में जो केवल जो डॉक्टरों की कमी दर्शाई गई है उसको भी पूरा करने के दिशा में पहल होना चाहिए। जो भी सृजित पद हैं, जैसे ए ग्रेड नर्स के मामले में 15,613 स्वीकृत पद है लेकिन कार्यरत कितने हैं, 10,013। संविदा पर 49,042 स्वीकृत है, कार्यरत है 2706। इसी प्रकार चाहे एएनएम के सवाल हो, चाहे आशा के सवाल हो, सभी दिशाओं में सरकार को उचित काम करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य कर्मी की अधिकाधिक बहाली हो और मानव बल का सृजन हो। जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो डॉक्टरों के बारे में जो सैंक्शन पोस्ट है वो बताया गया है 12,895, लेकिन उसके बदले में जहां 12,895 सैंक्शन पोस्ट है वहां कार्यरत केवल 6,330 है। यह जो गैप है इसको भरा जाना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री ने कई अवसरों पर इस बात को कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी का डॉक्टर का जो कमी है उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। और यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 1,60,000 ऐसे जो पद रिक्त हैं, चाहे वो ए ग्रेड नर्स का हो, डॉक्टर का हो, एएनएम का हो, अन्य कर्मियों का हो, टेक्नीशियन का हो, उन सभी दिशाओं में बेहतरीन काम के जरिए स्वास्थ्य सेवा को समृद्ध और आम जनता के अपेक्षा के अनुरूप बनाने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। हम इस अवसर पर यह भी कहना चाहते हैं कि जो भी नए नए प्रयोग हैं जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किया जा रहा है, अभी ठीक बताए जनता दल यू के साथियों ने, महागठबंधन के साथी ने पटना एम दरभंगा में एम्स का निर्माण के लिए 162 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वेदांता का सवाल है, सभी दिशाओं में एक बेहतरीन काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जिसकी उपलब्धियां गर्व करने लायक है। लेकिन मित्रों में भाइयों में अध्यक्ष महोदय, मैं कहना भी चाहता हूं कि बिहार के साथ ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा वर्षों से, ये जो उपनिवेश की तरह केंद्र सरकार बिहार को उपनिवेश मानता है, ये म्युनिसिपैलिटी मानता है, केवल भाजपा शासित राज्यों को केंद्र सरकार सहयोग करता है और गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ में जो सौतेला व्यवहार है, जो उसकी अनदेखी है, उसके खिलाफ बिहार वासियों को हुंकार भरने की जरूरत है। इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो मानता ही नहीं है केंद्र की एनडीए सरकार, जो बिहार इस देश का एक हिस्सा है। इस तरह के व्यवहार करने वाले प्रधानमंत्री केजरीवाल जी ने बहुत ठीक कहा कि यह अनपढ़ प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा है, यह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यह जिस तरह से बातें कर रहा है मानो
इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ज्ञान इन्हें नहीं है। दूसरी बात मैं और भी कहना चाहता हूं, यह जो विभाग है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस्ड है, जो उस पर काम कर रहा है, मैं एक उदाहरण देख करके और इसको बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूं। आप उत्तर भारत के मुकाबले आप दक्षिण भारत को देखें, आप तमिलनाडु को देखिए। तमिलनाडु जहां 70% से अधिक आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु की प्रगति से आज पूरा दुनिया और उत्तर भारत के राज्य का चकाचौंध है। वहां किसकी सरकार है? वहां कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो पढ़ा लिखा स्टेट है, जो कॉन्शियस स्टेट है, उस स्टेट में कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चाहे तमिलनाडु को देखिए, केरल को देखिए, आंध्र को देखिए, टीसीआर का जगह तेलंगाना को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, सुदूर दक्षिण भारत में केवल एक राज्य है कर्नाटका, जहां की सरकार को गिरा करके प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार बनाया। यह क्यों दक्षिण भारतीय जनता पार्टी नहीं है? क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर, जागरण का स्तर, साइंटिफिक टेम्परामेंट का स्तर बहुत ऊंचा है। उसके मुकाबले में ये जो उत्तर भारत का इलाका है जिसे कॉ बेल्ट कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है। ये क्यों है भारतीय जनता पार्टी? उत्तर भारत के राज्यों में चूंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा असर इसी हिंदी हटलैंड में है। चाहे आप बिहार को ले, यूपी को ले, छत्तीसगढ़ को ले, हरियाणा को ले, यही जातिवादी व्यवस्था के चक्रण में हिंदुस्तान का, उत्तर भारत का बहुजन फंसा हुआ है। चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे जातिवाद हो, और जो पुराने संस्कार और पुराने विचार है उसके जकड़न में जकड़े रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी उनकी पिछली चेतना का उपयोग करके सत्ता में बना हुआ है। उपलब्धि क्या है? जीरो। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुकाबले में जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे सीपीआई हो, वो ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कर रहा है। इसीलिए मैं हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि यह जो वक्त है ये बहुत विचार करने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार सदन के अंदर दिख रहा है वो कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है, कहीं से मर्यादा के अनुरूप नहीं है। ये इसलिए भी है कि इनको देश की प्रगति से, बिहार की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसानों की बात सदन में उठती है, जब भी मजदूरों की बात सदन में उठती है, जब भी रोजगार के सवाल सदन में उठते हैं, वो हंगामा करते हैं, सदन को बाधित करते हैं ताकि कोई सार्थक बहस इस सदन के अंदर नहीं हो हिंदुस्तान के 90% लोगों के पक्ष में। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री को, यशस्वी मुख्यमंत्री को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार का जो मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। एक एक करके नरेंद्र मोदी की सरकार जब गैर भाजपा शासित राज्यों को धन के बल पर खरीद करके उसकी सरकार को गिराने का काम कर रहा था, चाहे गोवा में गिरा रहा था, चाहे कर्नाटका में गिरा रहा था, चाहे महाराष्ट्र में गिरा रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने मिल करके जो 90% सामाजिक न्याय और आम आवाम की पार्टी है, सीपीएम, सीपीआई, हम जैसी पार्टियों को, कांग्रेस जैसी पार्टियों को मिला करके जो एक गठबंधन बनाया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी आज बैकफुट पर है। पूरे देश के लोग आशा भरी नजरों से बिहार की ओर देख रहा है। ये वही बिहार है जब जब देश में कोई संकट पैदा हुआ, कोई क्राइसिस पैदा हुआ, लोकतंत्र को बचाने का सवाल हो, संविधान को बचाने का सवाल हो, या हिंदुस्तान के बहुजन में काम करने का सवाल हो, बिहार का नेतृत्व यह देश मानता रहा है। हम ये मानते इस मौके पर कि आपने जो मौका दिया, पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, इस मौके का उपयोग करके हम चाहते हैं कि बिहार की सरकार जिस तरह से जागरूक होकर के 90% आवाम के हक में काम कर रहा है, और ये बजट बहुत, ये जो 2300 वर्ष का बजट है, ये बेमिसाल बजट है, शानदार बजट है, देश के लिए अनुकरणीय बजट है। यदि इसी रफ्तार से, इसी दृष्टिकोण से दो दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो यदि गैर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करके बिहार की तरह यदि खड़ा हो जाए, तो इस देश से फासीवादी ताकतों को उखाड़ कर फेंका जा सकता है। नहीं, चंद बातों के साथ मैं फिर से
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपना अंतिम वक्तव्य देते हुए खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।